हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है माय चैनल माय फेरी टेरेस गार्डन में। देखिएगा, ये मैंने 1 ईयर पहले वाटर कैबेज इसमें लगाए थे। तो मैं जब वाटर कैबेज लाई थी तो मेरे पास बहुत एक छोटा सा वाटर कैबेज था और मैंने उसका वीडियो भी बनाया है, मेरा वीडियो भी मैंने अपलोड किया हुआ है। तो वो छोटा सा वाटर कैबेज था और अब देखिए मैंने क्या किया, लोटस का जो पॉन्ड था, देखिए लोटस का कितना अच्छा सा ये लीव आ रही है। तो लोटस का जो पॉन्ड था मैंने उसके अंदर ही इसको वाटर कैबेज को रख दिया था। और अब देखिएगा, ये अप्रॉक्स 15 to 20 days ही है, 15 to 20 days में देखिएगा ये कितने बड़े और कितने अच्छे वाटर कैबेज लग रहे हैं। जो मैंने वाटर कैबेज लगाया था तो वो लास्ट समर की बात बता रही हूँ, वो पूरे मर भी गए थे सारे, एक बचा था बस। उस एक से ही देखिए बहुत जल्दी जो है वाटर कैबेज बहुत ईजिली बहुत जल्दी इसको ग्रो कर लेते हैं। मेरे तो इस पॉट में अब आ भी नहीं रहे हैं, देखिए पूरा भर चुका है ये वाटर कैबेज से, ठीक है। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने इसको लोटस पॉन्ड में डाल दिया था। इसको लोटस पॉन्ड में नहीं लगाना चाहिए क्योंकि फिर लोटस इजीली ग्रो नहीं करेगा। उस समय मेरे पास कोई पॉट था ही नहीं, यही एक था तो मैंने फिर इसमें लगा दिया था, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था, कुछ मेरे पास अवेलेबल भी नहीं था तो फिर मैंने उसको उसमें लगा दिया था। देखिएगा, यदि आप छोटे पॉट में लगाते हैं तो वाटर कैबेज इतना साइज़ में बड़े नहीं होते हैं। देखिए मैंने इतना इसको बड़े पॉट में लगा रखा है। बड़े पॉट में लगाने के बाद देखिएगा कितना अच्छे से ग्रो कर गया है। इसकी लीव्स जो हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत ग्रीन लीव्स होती हैं, बहुत सुंदर। तो बढ़ने के बाद ही बहुत अच्छा लगता है और बहुत इजीली ये जो है मल्टीप्लाई हो जाता है। 20-25 दिनों में तो ये पूरे पॉन्ड को आपके भर देगा, ठीक है। इसको यदि आप बड़े पॉन्ड में लगाएंगे तो उसका साइज़ उतना ही बड़ा होएगा। जैसे मैं आपको एक निकाल के बताती हूँ, देखिएगा ये एक, देखिए इसमें ये देखिएगा, ये इसकी देखिए रूट्स देखिए। मैंने इस पॉट के अंदर नीचे तो देखिए थोड़ा सा मैंने इसके अंदर सॉइल कर रखी है, मैंने नीचे तो इसके अंदर सॉइल है और पहले मैंने सॉइल फिल किया है, उसके बाद फिर उसके ऊपर पूरा ऊपर तक पॉट में वाटर फिल कर दिया है। जो इसके लोटस के लिए रिक्वायरमेंट थी मैंने वही इसको कर रखा था, तो उसी के अंदर मैंने इसको लगा दिया। देखिए अभी कितने बड़े बड़े साइज़ के हो गए, इनकी सरफेस पर ऐसे वाटर ड्रॉपलेट पड़ती है तो कितनी अच्छी लगती है, ये देखिए मोतियों के जैसे लगती है। इनमें जब भी आप वाटरिंग करें तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि वाटरिंग जो है आप साइड से करें, पानी यहाँ ऐसे साइड से दें, भले इसको थोड़ा खिसका दीजिए। अब जैसे पूरा ही भर गया, मैं इसको सेपरेट ही करूँगी, किसी और के अंदर भी लगा दूँगी तो सेपरेट करके थोड़ा सा दूर करके फिर साइड से वाटरिंग करें, ठीक है। इसको ऐसे कोई ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, और आप देना चाहें तो लिक्विड फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं, तो जो मेरे लोटस के लिए चलते हैं वही इनके लिए काम आ जाते हैं। लेकिन मुझे इसको इसमें से हटाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे लोटस ही ग्रो नहीं कर पाएंगे। ये मेरे पिंक लोटस के हैं जो मैंने सीड से ग्रो किए थे, तो देखिए इसके अंदर कितने अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। तो ये वाटर कैबेज से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन थी। आपको कहीं मिले तो आप अपने घर में ज़रूर लगाइएगा और किसी बड़े पॉट में पानी भर के रखिएगा जिससे इनका साइज़ उतना ही इंक्रीज़ हो जाए। ये देखिए इसको बहुत इजीली जो है आप सेपरेट कर सकते हैं। फ़िलहाल जैसे ये सिंगल सिंगल हैं जो मैंने निकाले, इसकी क्या होते हैं बंच में जैसे बन जाते हैं, एक से दूसरा बनता जाता है, जैसे आपको दिख रहा होगा ये इसका बेबी प्लांट है। लेकिन देखिए स्पेस नहीं मिल रहा है, यहाँ पर जगह कम है, तो ये देखिए इतना ग्रो नहीं कर रहा है, मर रहा है अब धीरे धीरे, ठीक है। तो यहाँ से इसको सेपरेट करके और फिर इसको आप इजीली ग्रो कर सकते हैं। देखिए रूट्स कितनी बड़ी आ रही हैं इसके अंदर, ठीक है। पूरे पॉट में जितना आप लेंथ लेंगे, डीप पॉट लेंगे, उतना इसकी जो है रूट्स अंदर तक जाएंगे और इसका साइज़ उतना ही ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। आप इसको छोटे साइज़ का रखना चाह रहे हैं, आप छोटे पॉट में रखें, लेकिन 4 इंची पॉट तो होना ही चाहिए इसके लिए। तो आप इनडोर भी इसको लगा सकते हैं। तो ये इसकी केयरिंग थी, इसको ज़्यादा सनलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने इसको ऐसे शेड के कॉर्नर में रखा हुआ है, थोड़ा इसको शेड मिलता रहता है और थोड़ा इसको सनलाइट मिलती रहती है। समर में ये बहुत इजीली जो है बहुत जल्दी ग्रो करता है, समर के अंदर ये इसका ग्रोइंग टाइम होता है। तो ये इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।